सो गाइस आईपीएल 2021 का मैच नंबर 35 चेन्नई सुपर किंग वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में मुकाबला खत्म हो चुका है एंड जो मैच है वो यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम 6 विकेटों के साथ जीत चुकी है। चेन्नई सुपर किंग के जीतते ही यहाँ पे दो टीम्स लगभग प्लेऑफ के लिए कंफर्म हो चुकी है एंड यहाँ पे तीसरे चौथे एंड पांचवें स्थान के लिए घमासान लड़ाई होने वाली है। आखिर कौन सी टीम को कितने मैचेस जीतने होंगे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए, सभी चीज के बारे में डिटेल में बताने वाला एंड इस शो में हम पॉइंट्स टेबल को एनालाइज करने वाले। दोस्तों वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस बिना देरी किए एक और नए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो इसमें बात करते हैं पहले पोजीशन की। तो गाइस हमें फर्स्ट पोजीशन पे है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग की टीम ने कुल 9 मैचेस खेले और 9 मुकाबले में से 7 मुकाबला जीती है, 2 मुकाबला हारी है। 14 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है +1.185 का। दोस्तों यहाँ पे सीएसके की टीम अभी बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है। वहीं बात रही पॉइंट्स की, वहीं बात रही जाए नेट रन रेट की, सब चीज में यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग की टीम बहुत ज्यादा आगे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे सीएसके की टीम को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो गाइस यहाँ पे सीएसके को अपने बचे हुए 5 मुकाबले में से 1 मुकाबला जीतना होगा एंड यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग के आने वाले 5 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स एंड पंजाब किंग्स के खिलाफ है एंड यहाँ पे इसमें से 1 मुकाबला भी अगर आप चेन्नई सुपर किंग की टीम जीत जाती है तो यहाँ पे 100% सीएसके की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाने वाली है। एंड वही भी बात की जाए दूसरे पोजीशन की, तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे दूसरे स्थान पे है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जहाँ दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने कुल 9 मैचेस खेले और 9 मुकाबले में से 7 मुकाबला जीती है, 2 मुकाबला हारी है। 14 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है +0.613 का। अब यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने है तो गाइस यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को भी अपने बचे हुए 5 मुकाबले में से 1 मुकाबला जीतना होगा एंड यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के आने वाले 5 मुकाबले हैं राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ है एंड यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम इनमें से एक भी मुकाबला जीत जाती है तो यहाँ पे 100% दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे स्थान की, तो गाइस यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे तीसरे स्थान पे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जहाँ दोस्तों आरसीबी की टीम ने कुल 9 मैचेस के लिए और 9 मुकाबले में से 5 मुकाबला जीती है, 4 मुकाबला हारी है 10 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.720 का एंड यहाँ पे आरसीबी की टीम अभी थोड़ी दिक्कत में आ रही है बिकॉज यहाँ पे आरसीबी की टीम को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने तो गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम को अपने बचे 5 मुकाबले में से 3 मुकाबला जीतना होगा एंड यहाँ पे आरसीबी के आने वाले 5 मुकाबले मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद एंड दिल्ली कैपिटल्स, इन 5 टीम्स में से 3 मुकाबला कैसे भी करके यहाँ पे आरसीबी की टीम को जीतना होगा। अगर इनमें से 3 मुकाबला भी हार जाती तो गाइस यहाँ पे आरसीबी की टीम को दिक्कत आने वाली है। आने वाला मुकाबला यहाँ पे आरसीबी का मुंबई इंडियंस के खिलाफ है जो यहाँ पे संडे को होगा मैच एंड यहाँ पे वो मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अगर वो मैच आरसीबी की टीम हार जाती है तो यहाँ पे आरसीबी की टीम बहुत ही ज्यादा दिक्कत में आने वाली है। अब लेट्स सी क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते चौथे पोजीशन की, तो गाइस यहाँ पे पॉइंट टेबल पे चौथे पोजीशन पे है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने कुल 9 मैचेस खेले और 9 मुकाबले में से 4 मुकाबला जीती है, 5 मुकाबला हारी है 8 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है +0.363 का। अब यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने है तो गाइस यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को अपने बचे हुए 5 मुकाबले में से 4 मुकाबला जीतना होगा एंड यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स के आने वाले 5 मुकाबले चेन्नई सुपर किंग, दिल्ली कैपिटल्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर हैदराबाद एंड राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ है। अब यहाँ के कोलकाता नाइट राइडर्स के बहुत बड़े बड़े टीम के खिलाफ मुकाबले खेलने वाले एंड इनमें से अगर 2 मुकाबले भी यहाँ पे केकेआर की टीम हार जाती है तो यहाँ पे केकेआर का भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना एंड यहाँ पे अगला मुकाबला केकेआर का चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ है। अब लेट्स सी क्या होता है, क्या यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सीएसके के खिलाफ जीत पाती है कि नहीं, वो तो हमें उसी मैच के टाइम पता चलने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं पांचवें पोजीशन की, तो गाइस यहाँ पॉइंट टेबल पे पांचवें पोजीशन पे है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जहाँ दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुल 8 मैचेस खेले और 8 मुकाबले में से 4 मुकाबला जीती है, 4 मुकाबला हारी है 8 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.154 का। अब यहाँ पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने तो गाइस यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स को अपने बचे हुए 6 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीतने हो गए एंड यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के अपने आने वाले 6 मुकाबले हैं दिल्ली कैपिटल, सनराइजर हैदराबाद, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस एंड कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलने वाली है एंड इनमें से अगर 3 मुकाबला भी यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम हार जाती है तो गाइस यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का भी बहुत दिक्कत आने वाली है एंड लगभग राजस्थान रॉयल्स के
की टीम भी प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। इनमें से अगर तीन मुकाबला भी हार जाती है, लेट्स सी क्या होता है। एंड यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स का अगला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ है। अब दोस्तों बात करते हैं छठवें पोजीशन की, तो कैसे है पॉइंट टेबल पे छठवें पोजीशन पे है मुंबई इंडियंस की टीम। जी हाँ दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने कुल 9 मैचेस खेले, 9 मुकाबले में से 4 मुकाबला जीती है, 5 मुकाबला हारी है। 8 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.310 का। अब यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने, तो कैसे मुंबई इंडियंस को अपने बचे हुए 5 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीतने होंगे। एंड यहाँ पे मुंबई इंडियंस के आने वाले 5 मुकाबले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। अब यहाँ पे अगला मुकाबला मुंबई इंडियंस का आरसीबी की टीम के खिलाफ है। अब यहाँ पे अगर आरसीबी की टीम जीत जाती है तो यहाँ पे मुंबई इंडियंस को दिक्कत आने वाली है। अगर मुंबई इंडियंस की टीम जीत जाती है मुकाबला तो यहाँ पे आरसीबी की टीम को दिक्कत आने वाली। तो कैसे हमें जब भी आरसीबी एंड एनएमआई का मुकाबला होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल में सबकी नजरें रहने वाली है। एंड यहाँ पे मुंबई इंडियंस की टीम अभी बहुत ज्यादा दिक्कत में है एंड चाहिए कि अपने पुराने फॉर्म में आ जाए। एंड यहाँ पे बैक टू बैक मुंबई इंडियंस की टीम 4 मुकाबला 5 मुकाबले में से जीत जाए, लेट्स सी क्या होता है। अब बात करते हैं सातवें पोजीशन की, तो कैसे पॉइंट्स टेबल पे सातवें पोजीशन पे है पंजाब किंग्स की टीम। जी हाँ दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम ने कुल 9 मैचेस खेले, 9 मुकाबले में से 3 मुकाबला जीती है, 6 मुकाबला हारी है। 6 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.345 का। अब दोस्तों यहाँ पे पंजाब किंग्स को अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने, तो कैसे पंजाब किंग्स को अपने बचे हुए 5 मुकाबले में से 5 मुकाबले जीतने होंगे। एंड यहाँ पे पंजाब किंग्स से आने वाले 5 मुकाबले हैं सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों यहाँ पे अभी भी पंजाब किंग्स की टीम 100% प्लेऑफ के बाहर नहीं हुई है। अगर 5 मुकाबला जीत जाते तो कैसे पंजाब किंग्स की टीम 100% प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। एंड यहाँ पे आने वाले मुकाबले बड़े बड़े टीम से खिलाफ, केकेआर, मुंबई इंडियंस, आरसीबी, सीएसके, एसआरएच। तो कैसे यहाँ पे लेट्स सी क्या होता है, अगर 5 मुकाबला जीत जाती है तो यहाँ पे पंजाब किंग्स टीम वापसी कर जाएगी, इन प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं आठवें पोजीशन की, तो कैसे पॉइंट्स टेबल पे आठवें पोजीशन पे है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जहाँ दोस्तों हैदराबाद की टीम ने कुल 8 मैचेस खेले, उन 8 मुकाबले में से 1 मुकाबला जीती है, 7 मुकाबला हारी है। 2 पॉइंट के साथ इनका नेट रन रेट है -0.689 का। दोस्तों यहाँ पे अगर हैदराबाद को प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने, तो कैसे यहाँ पे हैदराबाद को अपने बचे हुए 6 मुकाबले में से 6 मुकाबले जीतने हो गए। एंड यहाँ पे हैदराबाद के आने वाले 6 मुकाबले हैं पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड मुंबई इंडियंस के खिलाफ है। एंड यहाँ पे अगर 6 मुकाबले जीत भी जाती है तभी भी यहाँ पे 50-70% चांस है कि यहाँ पे हैदराबाद की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करेगी। बिकॉज यहाँ पे 6 मुकाबले जीतने के बाद भी हैदराबाद का टोटल 12 पॉइंट्स ही रहने वाला है। तो गाइस लेट्स सी क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हैदराबाद का अभी भी थोड़ा सा चांस निकल के आ रहा है। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको सभी टीम्स का बता दी कि कितने पॉइंट्स चाहिए, कितने मैचेस जीतने, कितने में से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। एंड आपकी फेवरेट टीम अभी कौन से पोजीशन पे, एक बार आप कॉमेंट करके जरूर बताएगा। एंड यहाँ पे दोस्तों फाइनली आईपीएल 2021 का फेज 2 का यहाँ पे पहला डबल हेडर मैच होने वाला है, जो पहला मुकाबला दोपहर को खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। एंड जो शाम का मुकाबला वो यहाँ पे सनराइजर हैदराबाद एंड पंजाब किंग्स के बीच में है। दोनों ही मैचेस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिकॉज यहाँ पे जो पहला मैच है वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम जीत जाती है तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी ऑफिशियली। एंड यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत जाती है तो कैसे यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स की टीम आरसीबी का मुकाबला कर जाएगी, ना आरसीबी को ओवरटेक करते हुए डायरेक्ट तीसरे स्थान पर आ जाने वाली है। एंड जो शाम का मुकाबला है यहाँ पे हैदराबाद की टीम मुकाबला जीत जाती है तो वही रहने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब कि जो आज थी वो यहाँ पे और अभी रहने वाली, यानी कि अभी भी हैदराबाद की टीम 100% प्लेऑफ से बाहर नहीं होगी। अगर हार जाती तो कैसे यहाँ पे 100% हैदराबाद की टीम प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। एंड पंजाब किंग्स की टीम अगर मुकाबला जीत जाती है तो यहाँ पे पंजाब किंग्स का अभी भी चांस रहने वाला है। एंड तब यहाँ पे पंजाब किंग्स को अपने बचे हुए 4 मुकाबले में से 4 मुकाबले जीतने हो गए। तो कैसे यहाँ पे आप कमेंट करके जो बताए कि जो दोनों मैचेस है कौन सी टीम जीतने वाली है। एंड वीडियो कहीं पैन करते हुए आपको थोड़ी पसंद आए, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।